गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज जो हमारा लेक्चर है वो होगा फैमिलीज़ एंड टाइप्स ऑफ मैरिजेस में। आपने प्रीवियसली दो वीडियो टॉपिक पर देख लिए होंगे, जैसा पहला था इंट्रोडक्शन एंड सेकेंड वॉज क्रिटिकल एडिशन ऑफ महाभारता। सो लेट्स स्टार्ट आर टॉपिक। सबसे पहले इसमें है फैमिलीज़ के बारे में। पहला टॉपिक है किंगशिप मैरिज रूल्स। वी ऑल नो दैट ईच फैमिली इज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर फैमिली। They are different in terms of numbers of members, the kind of relationships and activities they share with each other. So, families are usually part of large network of people defined as relative or kin folk. अब यहाँ पे अर्थ होता है किंग फोक का मतलब क्या होता है। किंग फोक मीन्स मेम्बर्स ऑफ द सेम फैमिली, यानी उस संबंधी जिसे हम कहते हैं संबंधी, यानी एक ही परिवार से संबंध हैं, एक ही जाति समूह से संबंधित हैं, वो किंग फोक कहलाता है, राइट? जैसे यहाँ पे हम आपको एक मैंने कल क्वेश्चन भी दिया था, उसमें किंग फोक वर्ड आया था और वो रिलेटेड था महाभारत में। आप जानते हैं महाभारत में पूरी फैमिली कौरवाज और पांडवाज की थी और वो किस तरह से युद्ध में इन्वॉल्व हुए थे। अगला यहाँ टर्म आता है द आइडिया ऑफ पैट्रिलिनी। What does mean patrilineage? Patrilineage means tracing descent from father to son. यानी हम यहाँ कह सकते हैं कि जब कोई भी संपत्ति है या फिर प्रॉपर्टी है या फिर कोई अदर चीज़ें हैं, वो फादर से सन के पास आती हैं, उसको कहा जाता है पैट्रिलिनी सिस्टम या फिर पितृ वंशीयता हम इसको कह सकते हैं, राइट? यानी पैट्रिलिनी सन्स कुड क्लेम द रिसोर्सेज इंक्लूडिंग द थ्रोन इन द केस ऑफ किंग। अगर राजा है तो सत्ता पर पुत्र का अधिकार होगा, ऑफ देयर फादर व्हेन द लेटर डाइड, राइट? तो हम यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है महाभारता का। तो महाभारता का कैसे हम देखते हैं, आप जान रहे हैं, महाभारता इज़ ए स्टोरी अबाउट यू नो पैट्रियोटिक सिस्टम। इट डिस्क्राइब ए फ्यूड ओवर लैंड एंड पावर बिटवीन टू ग्रुप्स ऑफ कजिन, द कौरवास एंड द पांडवास, हु बिलोंग टू अ सिंगल रूलिंग फैमिली, that of the Kurus, a lineage dominating one of the janpada. वो जनपद कौन सा था आप मुझे बताएंगे, तुरंत व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज करेंगे कौन से जनपद को बिलोंग करते थे कौरवाज और पांडवाज। अल्टीमेटली एज यू नो द कॉन्फ्लिक्ट एंडेड इन अ बैटल इन विच द पांडवाज इमर्ज विक्टोरियस। यानी कौन जीत गए थे, पांडव जीत गए थे। फिर क्या हुआ आफ्टर दैट, पैट्रिलिनियल सक्सेशन वॉज प्रोक्लेम्ड वाइल पैट्रिलिनी हैड एग्जिस्टेड प्रायर टू द कम्पोजिशन ऑफ द एपिक। देखिए इससे पहले भी पैट्रिलिनी सिस्टम पे बहुत सारे स्टोरीज कहानियाँ हमको सुनने देखने को मिलती हैं, लेकिन जो स्टोरी थी महाभारता की वो अपने आप में बहुत ही इम्पॉर्टेंट थी, इसीलिए महाभारत अपने आप में एक कॉलोसल एक इम्पॉर्टेंट और समृद्ध एपिक बनता है। द सेंट्रल स्टोरी ऑफ द महाभारता रिइंफोर्स द आइडिया दैट इट वॉज वैल्यूएबल अंडर पैट्रिलिनी सन कुड क्लेम द रिसोर्सेज। अभी जैसे मैंने आपको बताया इंक्लूडिंग द थ्रोन इन द केस ऑफ किंग ऑफ देयर फादर व्हेन द लेटर डाइड, राइट? तो इस तरीके का एक लिनेज बनता है और फादर से सन को फिर उससे आगे इस तरीके की एक जो डिसेंट है फादर टू सन और आगे इस तरह से वो बढ़ते जाता है। तो इसको पैट्रिलिनी को आप ध्यान रखेंगे, बार बार एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैट्रिलिनी और पैट्रिलिनिटी पर, तो आप पैट्रिलिनी और मैट्रिलिनी दोनों वर्ड्स को प्रॉपर तरीके से इसको देखेंगे। What is the meaning of matrilineage? Lineage is the term used when descent is traced through the mother. यानी जहाँ पर माँ के वंश को आगे बढ़ाया जाता है, माँ के नाम से आगे बढ़ता है ना, कोई महिला वहाँ पे शासन कर रही है तो दैट इज़ नोन एज मैट्रिलिनी। यहाँ पे हमें एग्जांपल मिलता है किसका, प्रभावती गुप्त के बारे में। आपने चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा होगा किस तरह से उन्होंने भूदान यानी जो लैंड थी वो ग्रैंड की थी, तो प्रभावती गुप्ता इसमें अपना एग्जाम्पल है। हालाँकि आप जान रहे हैं ये बहुत ही रेयर एग्जाम्पल मिलता है प्रभावती गुप्त का, क्योंकि एट द टाइम मोस्ट रूलिंग डायनेस्टी राइट क्लेम टू फॉलो दिस सिस्टम। दिस सिस्टम मीन्स पैट्रिलिनी सिस्टम। ऑल दो देयर वर वेरिएशन इन प्रैक्टिसेस, समटाइम्स वेयर नो सन वर नो सन इन समटाइम्स ब्रदर्स एक्सीडेड वन अदर, समटाइम्स अदर किंग्समैन क्लेम द थ्रोन, एंड इन वेरी एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस वुमेन सच एज प्रभावती गुप्त एक्सरसाइज्ड पावर।
अब यहाँ पे हिंदी में है, इसका अर्थ क्या क्या है। पितृ वंशिकता का अर्थ है यानी पैट्रिलिनी, वह वंश परंपरा जो पिता के पुत्र फिर पौत्र फिर प्रपौत्र आदि से चलती रहती है, यानी ग्रैंडफादर, सन, ग्रैंडसन, इस तरह से ये आगे बढ़ती रहती है और उन पुत्रों के बीच में ही, बेटों के बीच में ही संपत्ति या फिर आप कह सकते हो थ्रोन हो गया, सत्ता हो गई, पावर है, वो ट्रांसफ़र होती है, उसको पैट्रिलिनी या फिर पितृवंशिकता कहा जाता है। मातृवंशिकता शब्द का इस्तेमाल हम तब करते हैं जहाँ वंश परंपरा माँ से जुड़ी हुई होती है। यहाँ पे बहुत रेयर एग्जांपल मिलते हैं, जैसे मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, प्रभावती गुप्त का आप यहाँ पे एग्जांपल दे सकते हैं, पितृवंशिकता में आप महाभारत का एग्जांपल ले सकते हो, ठीक है। अगला है टाइप्स ऑफ मैरिजेस। बेटा हम बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट सोशल हिस्ट्री, कि किस तरह के की सामाजिक इतिहास था। हालांकि हिस्टोरियंस एक बात बोलते हैं इसमें, अकॉर्डिंग टू हिस्टोरियन द इन्वेस्टिगेटेड एंड एनालिसिस एटीट्यूड टुवर्ड्स फैमिलीज एंड किनशिप, दीज आर इम्पॉर्टेंट बिकॉज दे प्रोवाइड एन इंसाइट इनटू पीपल्स थिंकिंग, राइट। इट इज़ लाइकली दैट सम ऑफ दीज आइडियाज वुड हैव शेप्ड देयर एक्शन, एज एक्शंस मे हैव लेड टू चेंज इन एटीट्यूड। देखो बेटा, कई बार ऐसा होता है कि जो इतिहासकार हैं जब सामाजिक इतिहास लिखते हैं तो देखिए हर तरीके के विचारों को जानना बहुत ज़रूरी है। तो इतिहासकारों का कहना है कि जो विशिष्ट लोग थे जैसे किंग हैं, उनकी फैमिलीज़ हैं, उनके बारे में जानकारी मिल जाती है, लेकिन आम लोगों का क्या इतिहास था, जो कॉमन पीपल हैं उनके बारे में जानकारी नहीं मिलती है। उनके बारे में जानकारी मिलने से क्या होगा, उससे ये पता चल जाएगा कि लोग क्या सोचते थे, है ना, यानी दे प्रोवाइड एन इंसाइट इनटू पीपल्स थिंकिंग, लोगों की सोच के बारे में पता चलेगा। तो इसी तरह से हम यहाँ देखते हैं कि ये जो विवाह पद्धति है यह भी रिलेटेड है किससे, समाज से, सामाजिक इतिहास से, सोशल हिस्ट्री से। हम वन बाय वन इसको पढ़ेंगे, ओके। आप अपने स्क्रीन में देख रहे होंगे टाइप्स ऑफ मैरिजेस। तो सबसे पहले जो टाइप है मैरिज का वो कौन सा है, इसको बोलते हैं एंडोगेमी, सेकेंड इज एक्सोगेमी, थर्ड इज पॉलीजनी, फोर्थ इज पॉलीएंड्री, राइट। तो इन सबको, चारों के चारों जो विवाह पद्धतियां हैं यानी टाइप्स ऑफ मैरिजेस हैं, ये बार बार एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं। आप पुराने पेपर देखिएगा, आपको ये वन वन लाइन में और साथ साथ तीन तीन मार्क्स में ये आपको मिलेंगे, और इसमें से आप जान भी पाएंगे इसको पढ़ने के बाद। इन चारों को पढ़ने के बाद आप मुझे बताइएगा कि जो द्रौपदी का जो विवाह था वो चारों में से किस में आता था, ठीक है। अभी देखेंगे जो एंडोगमी होता है उसको अंतर्विवाह कहते हैं, उसके अलावा जो एक्सोगमी होता है उसको बहिर्विवाह कहते हैं, जो पॉलीजनी होता है उसको बहुपत्नी प्रथा कहा जाता है या विवाह कह सकते हो, पॉलीएंड्री को बहुपति प्रथा कहा जाता है। अब ये क्या होती हैं कि हम एक के बाद एक देखते हैं, इसे देख सकते हो इंग्लिश हिंदी दोनों ही बताई जाएंगी। अंतर्विवाह में वैवाहिक संबंध समूह के मध्य ही होते हैं, यानी जो एक यूनिट है उसके अंदर ही होते हैं, और यह समूह एक गोत्र, कुल अथवा एक जाति या फिर एक ही स्थान पर बसने वालों का हो सकता है। यानी आप कह सकते हो एंडोगेमी रेफर्स टू मैरिज विद इन अ यूनिट, दिस कुड बी अ कीन ग्रुप, कास्ट और ग्रुप लिविंग इन द सेम लोकेलिटी, ठीक है। इसको अंतर विवाह के नाम से भी जाना जाता है। आपकी स्क्रीन में एंडोगेमी की डेफिनेशन दी गई है, आप इसको फेयर कॉपी में लिखेंगे और उसको लर्न भी करेंगे, क्योंकि बार 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 पूछा जा रहा है। और मैं आपको सिंप्लीफाई करूं, यानी अपने समूह में ही, अपने ही ग्रुप में, अपने ही कीन में या अपने आसपास अपनी लोकेलिटी में ही जो विवाह किया जाता था, जो मैरिजेज होती थी, उनको एंडोगमी या अंतर विवाह, नाम से ही पता चल रहा है एंडो या अंतर, यानी उसी के अंतर, यानी अपनी जो व्यवस्था है, उनके परिवार है, कीन है, समूह है, उसी के आसपास का विवाह होता था। अगला है एक्सोगमी, इसको हम क्या कहते हैं, इसको ध्यान रखिएगा, रेफर्स टू मैरिज आउटसाइड ऑफ द यूनिट, इसको बहिर्विवाह यानी बाहर अपनी यूनिट से, अपने ग्रुप से, अपने कीन से, अपने लोकेलिटी से जो बाहर विवाह होता था उसको एक्सोगमी का नाम दिया जाता है, समझे आप। आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा। तो पहला था एंडोगमी, सेकेंड इज एक्सोगमी, हिंदी में
पहला अंतर्विवाह और दूसरा बहिर्विवाह, इनको आप लर्न करेंगे। अगले लेक्चर में मैं आपसे प्रॉपर पूछूंगी कि आपने इन चारों को लर्न किया या नहीं किया। आज का होमवर्क है आपका पैट्रिलिनी, मैट्रिलिनी और ये चारों टाइप्स के विवाह के आपको फेयर कॉपी में आज की डेट में लिखना है। यू गॉट इट माय पॉइंट। नेक्स्ट, ये क्या होता है? पॉलीजेनी इज द प्रैक्टिस ऑफ ए मैन हैविंग सेवरल वाइफ, यानी एक पुरुष के कई पत्नियाँ, ठीक है? तो इसको हम कह सकते हैं बहुपत्नी विवाह, यानी एक आदमी उसकी कई बीवियाँ हैं, कई पत्नियाँ हैं, इसको पॉलीजेनी टाइप्स ऑफ मैरिज कहते हैं। इसको आप ध्यान में रखेंगे। आप जैसे आप देख सकते हो पुराने ज़माने में जो राजा वगैरह होते थे, राइट, अगर हम रामायण का ही चलो एग्जांपल उठा लेते हैं, उनकी तीन रानियाँ थी, किसकी रानी थी? दशरथ की। दशरथ की तीन रानियाँ थी, आपको पता ही है, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। तो इस विवाह को हम उसका एग्जांपल दे सकते हैं पॉलीजेनी में। दूसरा है पॉलीएंड्री इज द प्रैक्टिस ऑफ ए वुमेन हैविंग सेवरल हस्बैंड, यानी एक स्त्री के अनेक पति होने की प्रथा, यानी एक स्त्री है और उसके कई पति हैं, उसको कहते हैं पॉलीएंड्री। अब आप कई बार क्वेश्चन आता है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन पॉलीजेनी एंड पॉलीएंड्री, तो आपको अपने दिमाग में ध्यान रखना है। इससे पहले भी मैंने वीडियो में सुना होगा आपने, जब मैं टाइप्स ऑफ मैरिजेज बता रही थी कि आप ये बताओगे कि द्रौपदी का विवाह किस में आता है, तो अभी आपके लिए क्वेश्चन है कि आप पॉलीएंड्री में कौन सा एग्जाम्पल दोगे। ये मुझे लेक्चर सुनने के बाद आप तुरंत जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें आप टाइप करके मुझे आंसर बताएंगे। कल जो दो क्वेश्चंस दिए थे आप लोगों ने उसको अटेम्प्ट किया होगा, और आप मुझे बताइएगा कि आपने उसमें क्या क्या लिखा है और किस तरह से आपने उसको अटेम्प्ट किया, उसके फ़ोटो खींच के मुझे आप सेंड करेंगे ग्रुप में। थैंक यू।